Hey everyone, Saksham here and welcome to Morning Tech Update. So as a programmer, as a developer, आज हम बात करेंगे जियो के बारे में. तो अगर जियो का जब मैंने stats पता लगाया तो उसमें ये stats निकल गया कि 260 minutes एक user बिता रहा है जियो को use करते हुए. ठीक है, यहाँ तक बात हमको चलती है. बट जैसे ही मुझे पता लगा 150 million users हैं वहाँ पे, जो subscribers हैं users के, वो उसमें से हर यूज़र डेली 260 मिनट्स कंज्यूम कर रहा है जियो के ऊपर. जिससे सबसे पहले एक डेवलपर के दिमाग में बात आती है कि इतना बैंडविड्थ वो कहाँ से लेकर के आ रहा है, इतना बैंडविड्थ कंज्यूम होगा तो फिर ये कैसे संभालेंगे स्टोरेज, कैसे ये डेटा सर्वर संभालेंगे, सारी चीज़ें. इनका सोल्यूशन फाइनली अब मुकेश अंबानी बहुत ही स्मार्ट तरीके से लेके आए हैं. कैसे लेके आए इस बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, और आगे फर्दर क्या प्लान है जियो के, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. बट ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो. बहुत ही अच्छी तरीके से जो जियो एक सोल्यूशन लेके आया है बैंडविड्थ को लेके, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा डेटा सेंटर नहीं होगा, बहुत ही अच्छा डेटा सर्वर वगैरह ये सब नहीं इंप्लीमेंट होगा जब तक इंडिया में ऑन अ डोमेस्टिक लेवल, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट निकलेगा किसी का भी बैंडविड्थ का. तो ये सबसे स्मार्ट मूव लिया है हम लोगों ने. जियो ने फाइनली टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और माइक्रोसॉफ्ट अब मुंबई के अंदर और एक गुजरात के अंदर एक पर्सनल डेटा सेंटर लेके आएंगे, क्लाउड बेस्ड यानी Azure को यूज करेंगे. अगर हम बात करें Azure की, तो Azure एक्चुअली में आपको एक क्लाउड बेस्ड सर्वर देता है जिससे आप बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते. अगर हम बात करें Azure के बारे में, तो Azure बहुत ही सारे मल्टीपल ऑप्शंस देता है. एक तो क्लाउड बेस्ड आपको अच्छे से अपना नेटवर्क होस्ट करने देता है, तो बैंडविड्थ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. क्लाउड एक्चुअली में आया भी इसीलिए था ताकि बैंडविड्थ लिमिट रीच का प्रॉब्लम नहीं आए. तो क्लाउड में एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स होती है जो एक्सटेंड होते जाती है जितने भी हमें जरूरत पड़ती है बैंडविड्थ के उस हिसाब से. तो अगर हम और भी बात करें Azure के बारे में, तो क्लाउड बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आता है. जैसे पास है Azure के पास, पास इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. SaaS है Azure के पास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. एंड IaaS जिसको हम IaaS भी बोलते हैं, वो भी है Azure के पास, जिसमें इंफ्रा एज अ सर्विस. इन सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज से फ़ायदा क्या होता है कि हम बहुत ही अच्छे से एनालिटिक्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंडविड्थ में ही अब जियो को फ़ायदा होगा, यानी अब जियो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैट्स देख पाएगा. अपार्ट फ्रॉम Azure के कोलैबोरेशन के साथ साथ जियो ने और भी दो चीज़ों का कोलैब किया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसमें 365 का पूरा एक्सेस मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का. साथ में एक और चीज़, वो AI का भी जो डोमेन है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट AI, उसको भी बहुत अच्छे से अब इंप्लीमेंट कर सकता है जियो. तो अगर हम रीसेंट स्पीच के बारे में ध्यान दें जो मुकेश अंबानी जी ने डिलीवर करी थी, उसमें वो NLP के बारे में भी काफ़ी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में उन्होंने बात किया है. तो अगर हम उसको देख सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हम जियो की जितनी एप्लीकेशंस है, एक्चुअली जियो का यूज़र बेस ही नहीं, जियो की इतनी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, और आने वाले जो प्लान्स आ रहे हैं जो कि जियो के रिलीज हुए हैं, बिकॉज एक बात तो हम देख रहे हैं कि हाँ, इंटरनेट का तो बहुत अमेजिंग सा स्पीड आने ही वाला है इंडिया में, वो बात अलग है, उसको अगर हम साइड में रखें. उसके अलावा फर्दर प्लान्स की अगर हम बात करें आज स्टैक अपडेट के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दो बहुत ही बड़े प्लान्स आ रहे हैं जियो के, जिसमें एक्चुअली उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जैसे स्विगी हर रेस्टोरेंट से जाके आपको डिलीवर करता है फूड, वैसे जस्ट फूड नहीं, अब हर एक चीज़, जैसे जनरल स्टोर हो गया या मे बी कोई मार्ट हो गया, वहाँ पे भी अब डिलीवरी बॉय जाएगा. यानी हर सिटी का एक अलग डिलीवरी बॉय होगा, हर टाउन हर स्टेट का एक अलग डिलीवरी बॉय होगा. तो यानी सिर्फ फूड नहीं, अब जितनी भी दुकान है उसकी हर एक चीज़ आपके घर पे यानी डोर स्टेप पे डिलीवर होगी. नेक्स्ट प्लान ये आ रहा है जियो का. उससे जो नेक्स्ट प्लान है, उसमें 2020 में ये प्लान निकल के आ रहा है कि जिस दिन मूवी रिलीज होगी, क्योंकि समवेयर ये निकाला गया है स्टैट्स कि जितने भी मूवी हॉल्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है जितने आने चाहिए. तो नेक्स्ट आइडिया ये भी प्रपोज किया है कि जिस दिन भी मूवी रिलीज होगी, एग्जैक्टली नेक्स्ट डे आप उसको देख पाएंगे टिकट जितना पैसा पे करके, उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो. तो इन सारी ऐप्स को डेवलप करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, बिकॉज ये इससे बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग होगी, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होगी जियो की, क्योंकि अब इंडिया के अंदर ही सारे डेटा सेंटर्स आने वाले हैं जियो के. जितना भी डेटा होगा जियो पे, यानी हम सब लोगों का जितना डेटा होगा, वो इंडिया के अंदर ही रहेगा. हमने बहुत सारी होक्स ये भी बहुत ज़्यादा सुनी है कि डेटा ब्रीच होता है बाहर, अगर आपको काम करना है तो डेटा शेयर करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से, ऐसी बहुत सारी होक्स हमने सुनी है वहाँ पे. तो समवेयर ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मूव लिया है कि इंडिया में फाइनली अब एक डेटा सेंटर आ रहा है जिसमें हमें डेटा लीक करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को. बट एनीवेज, बिहाइंड द लाइन हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या परमिशन है क्या नहीं है, बिकॉज दैट इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जियो. बट स्टिल समवेयर दिस इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर इंडिया, बिकॉज जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बड़े किंग बन के बैठे हैं अमेरिका के अंदर, आई फर्मली बिलीव कि जियो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन जो बहुत ही बड़ा IT इंडस्ट्री का बूम लेके आएगा इंडिया में. बट दैट्स इट फॉर टुडेज मॉर्निंग टेक अपडेट. सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर मॉर्निंग टेक अपडेट.